हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो इन माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्काईविक की 16mm व्लॉगिंग लेंस के बारे में। तो ये लेंस आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है, क्योंकि इस लेंस से आपका जो फ़ोन का मेन कैमरा होता है वो वाइड एंगल काम कर पाता है, मतलब वहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी हेल्प से आप जो कैप्चर करते हैं उसका कुल मिला के जितना वो कैमरा कैप्चर करने वाला है उससे ज़्यादा एरिया कैप्चर करता है, जो कि जनरली आपको व्लॉगिंग में काम आने वाली है। जनरली आप क्या होता है कि हर बार आप दूर मोबाइल रख के नहीं चल सकते, स्टैंडिंग पोजिशन में रख नहीं सकते, तो इन हैंड जब करते हैं तो उतना एरिया कवर नहीं हो पाता, तो उस केस में ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। सबसे पहले आप ये फुटेज देखिए, जो एक कंपेरिजन इस लेंस से लिया हुआ और क्या बोलना चाहिए नॉर्मल मेन कैमरे से लिया गया। उसके बाद इसके बारे में आगे बताऊंगा कि इसके बॉक्स में क्या क्या आता है, इसे कैसे यूज़ करना है, और इसके लिए कुछ टिप्स कि आपको किस बात का ध्यान रखना है, कि आपको क्या रखेंगे तो जिसकी वजह से ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा। गाइज, अभी ये फ़ोन में लेंस नहीं लगी हुई है, ये इसकी रॉ फुटेज है। इसमें अभी फिल्मिक प्रो सॉफ्टवेयर से हम यूज़ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इसमें कोई भी लेंस लगी हुई नहीं है। मैं अभी डिस्टेंस चेंज नहीं करूँगा, उसके बाद अभी सेम फुटेज लेते हैं जिसमें हम लेंस लगा के लेंगे, तो उसमें आपको फ़र्क दिख जाएगा। और ये गाइस, अभी जो स्काईविक का 16mm लेंस है वो लग गया है, और इसमें आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। ये अभी आप मैं बैक कैमरे से, मतलब किसी अगर लैंडस्केप अगर फोटेज लेना चाहते तब आपको इफेक्ट दिखा रहा हूँ। इसके बाद अभी हम क्या बोलना चाहिए पोर्ट्रेट जैसे सेल्फी या व्लॉगिंग के लिए जैसे यूज़ करते हैं वो भी ट्राई करेंगे, उसमें भी देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। तो ये अभी मैं पोर्ट्रेट में ले रहा हूँ व्लॉगिंग के लिए हिसाब से। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं हाथ में कुछ भी नहीं रखा है, स्टिक वगैरह कुछ भी नहीं है, मैंने डायरेक्ट ये फ़ोन पकड़ा हुआ है और सिंपली बैक कैमरे से रिकॉर्डिंग चल रही है। अभी स्काईविक की जो 16mm वाली हम व्लॉगिंग लेंस बोल रहे हैं वो लगी हुई है, इसके बाद हम देखते हैं अपना जो मेन कैमरा है उसमें कैसा लगता है। मैं अभी चलते चलते इसे निकाल देता हूँ, और ये अभी आप देखिए, ये मैंने लेंस निकाल दी है, लेंस मेरे हाथ में है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा इसमें, कि आपकी ये चीज़ काम की है कि नहीं है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो गाइस, आपको फटाफट बता देता हूँ इनबॉक्स क्या क्या आता है। इनबॉक्स में आपको ये लेंस कैप मिलेगा, ये भी एल्युमिनियम का बना हुआ है, ये लेंस एल्युमिनियम की बनी हुई है, और ये जो क्लिप है ये प्लास्टिक की बनी हुई है। इसमें यहाँ पे जो है ये फ्लेक्सिबल मूवमेंट है, जिसके हिसाब से आपके फ़ोन में ईजिली एडजस्ट हो जाता है। और ये वाला जो सेक्शन है ये कैमरे में लगेगा, दोनों में रबर लगा हुआ है जिससे आपका फ़ोन डैमेज मत हो और ये लेंस अच्छे से अपनी प्लेस पर रहे। और ये ऐसा रिमूवेबल है, यहाँ से ये निकला हुआ आता है, जब ये आता है तो ये लेंस अलग रहती है और ये क्लिप अलग रहती है। और यहाँ पे भी एक कैप रहता है जो मैं अभी रखा नहीं हूँ, नहीं तो आपको दिखाया रहता। और इसके साथ में एक प्यारा सा केस आता है, जो लाइव तो नहीं है मेरे पास, पर आपको इमेज दिखा रहा हूँ कि ऐसा ये केस आता है जो कि ईजी टू हैंडी रहता है। और एक और कैरी पाउच आता है जो कि फ़िलहाल अभी तो नहीं है, बट कैरी पाउच भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। साथ में इस टाइप का एक माइक्रोफाइबर आता है ब्लैक कलर का, वो भी बॉक्स में आता है, बट वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए आपको मैं दिखा नहीं रहा हूँ। मेन काम की चीज़ ये है, इस वजह से आपको ये दिखाया। और इस लेंस की प्राइसिंग 6000 है, 599, और क्या बोलना चाहिए अभी रिपब्लिक सेल में 5000 का भी मिल रहा है। अगर ऑफ़र आप देख सकते हैं, जितना कम में मिले उतना अच्छा है। मैं इसे उसे ही रिकमेंड करूंगा जो डेडिकेटेड, मतलब प्रोफेशनली वीडियोग्राफी या यूट्यूब में काम करना चाहता है, उसके लिए काम की चीज़ है। बाकी नॉर्मल लाइफ में इसे लेना उतना रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ी एक्सपेंसिव है आइटम, उतना सस्ता नहीं है। हाँ, बट अगर आप अच्छी क्वालिटी चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपके काम का है। और फिर मन में ये भी सवाल आता है, क्या ये लेंस इतनी महंगी है तो इसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फ़ोन में वाइड एंगल लेंस भी तो होता है, क्या उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप जो फुटेज देख रहे हैं ये फ़ोन के वाइड एंगल लेंस की, इसमें कुछ कुछ खामियां हैं जो आपको बता देता हूं मैं। पहला कि इसमें फोकस फिक्स होता है, फोकस आप कम ज़्यादा जो है फोकस नहीं कर सकते, इसमें इनफिनिट पॉइंट पे फोकस फिक्स है, तो डेप्थ ऑफ फील्ड वाला इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज़, आप एजेस देख सकते हैं, यहाँ पे जो एजेस आपको दिख रही है वो हल्की सी खींची खींची दिख रही होगी, तो वो इफेक्ट इस लेंस में नहीं मिलेगा, तो जिसकी वजह से आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो डेफिनेटली अच्छी होने वाली है। तो ये दो तीन पॉइंट है जिसकी वजह से आपका जो क्या बोलना चाहिए हम लेंस प्रीफर करेंगे, ना कि वाइड एंगल लेंस। क्योंकि एक तीसरा पॉइंट जो आपको बताना भूल गया, ये कि इसमें जो पिक्चर क्वालिटी होने वाली है ये 4K में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, और इसमें फ़ोन का जो स्टेबलाइजेशन होता है OIS या EIS वो भी काम नहीं करता। OIS और EIS उस लेंस के साथ में काम कर पाएगा, क्योंकि वो आपके फ़ोन के मेन लेंस पर लग रही है। तो डेफ़िनेटली आपको ये लेना चाहिए अगर आप फ़ोन में वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा अभी कि
कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस लेंस की हेल्प से। एक छोटी सी लेंस से आपका जो कैमरा है नॉर्मल फ़ोन कैमरा से प्रोफेशनल कैमरा में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत हेल्पफुल है अगर आप व्लॉगिंग और फ़ोन वीडियोग्राफी करना पसंद करते हैं। कई बार ऐसा नहीं होता कि आप हर बार हर जगह कैमरा ले जा सके या आप कैमरा लेना चाहे अलग से इन्वेस्टमेंट, तो आपके एग्जिस्टिंग फ़ोन में आप ये डेफिनेटली कर सकते हैं। इसे कोई भी फ़ोन में यूज़ किया जा सकता है जिसका कैमरा साइड में हो, जैसे कि ये अभी हमारे पास वन प्लस 9 है, इसका कैमरा साइड में है तो इसमें आसानी से ये क्लिप लग सके। और जो आजकल कुछ कैमरे फ़ोन आ गए हैं जिसके कैमरा यहाँ सेंटर पे होता है, यहाँ पे होता है, तो उसमें काम नहीं आ पाएगा। आपको बेसिकली ऐसा फ़ोन आपका होना चाहिए जहाँ पे जो आपकी मेन कैमरी है वो सामने साइड में हो, तब ये पॉसिबल है। इसको यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो फ़ोन है, फ़ोन का जो मेन कैमरा है वो कहाँ पर है। तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन का कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन करने के बाद में एक एक करके यहाँ पीछे में आप फिंगर रख दीजिए, जैसे कि अभी ये सबसे ऊपर वाले पे हम रख के देख रहे हैं, तो अभी आप देख सकते हैं कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है ना, बट उसके साइड वाले में देख रहे हैं तो ये आ रहा है। तो यहाँ जहाँ पर ये कवर हो रहा है, ये वाला जो आपका मेन कैमरा है, और बाकी ये जो और जो बचे हुए हैं इसमें से एक वाइड एंगल होगा और डेप्थ सेंसिंग के लिए होगा, तो ये वाला जो आपका मेन कैमरा है। तो हमको लेंस को इस कैमरे में लगानी है जिसकी वजह से हमारा ये लेंस काम कर पाएगा। तो लेंस लगाने के पहले आपको ये ध्यान में रखना, जो टिप की बात करता वही है कि आपका जो लेंस है वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। और इसको क्लीन करने के लिए आप जनरली अपने कोई भी नॉर्मल कपड़े यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे डेडिकेटेड माइक्रोफाइबर यूज़ करेंगे जो लेंस को डैमेज ना करें, फ़ोन के भी और इस लेंस को भी। ये लेंस तो अभी क्लीन है तो इसको क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें आप देख सकते हैं कि हल्के हल्के ऑयल के लेयर बन गई है। तो इसको क्लीन करने के लिए कोई भी एक लेंस क्लीनर यूज़ करें। मैं तो एक्वा लेंस का लेंस क्लीनर यूज़ करता हूँ क्योंकि सस्ता भी पड़ता है और काफ़ी इफेक्टिव है। तो सिंपली लेंस क्लीनर डालेंगे और कपड़े से रब करेंगे और ये आपका हो जाएगा क्लीन। तो यहाँ पे देखिए ये एकदम चकाचक क्लीन हो गया है। अब सिंपली लेंस को लगाना है। लेंस को लगाने के लिए इसमें साथ में एक लेंस कैप आती है, ये वाली जैसे आपने अभी देखा था कि इसमें लेंस कैप आती है, तो इस लेंस कैप को निकाल लेंगे। और यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है अंदर में, यहाँ पे दिख रहा है सेंटर पे, ये आर पर ऐसे दिखता है, ये है ना, तो ये जो इसका जो सेंटर है ना, ये वाला सेंटर, इस सेंटर में आपको इस कैमरे के सेंटर में एक देखिए छोटी सी लेंस दिख रही है अलग से जो चमक रही है, इस दोनों को सेंटर में अलाइन करना है। उसके मतलब कि आजू बाजू एरिया छूटेगा कोई दिक्कत नहीं है, पर ये एग्जैक्ट सेंटर में आना चाहिए, जिसकी वजह से जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपकी जो इमेज है कहीं से भी डिसऑर्ट नहीं होगी, मतलब कि कहीं से फटेगी नहीं या खिंचाई नहीं लगेगी, ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा कि वो वाइड एंगल कुछ लगा हुआ है। तो सिंपली लगाने के लिए हम इसे ऐसा करेंगे और ऐसा करके अपने हिसाब से देखते हुए प्रॉपरली सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इसको सेट किया है, वो एकदम सेंटर पर आ गया है, तो ये एकदम गुड टू गो है। अब जो आप मेन कैमरा यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेन कैमरा एकदम जैसा था वैसा ही है, और ये थोड़ा दूर कर देता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। और डिटेलिंग के लिए कुछ प्रॉप ले लेते हैं, ये जो लाइव आपको इफेक्ट पता लग जाएगा, इसके पहले तो मैंने वो किया ही था। तो अभी लेंस लगी हुई है, अभी हम आपके सामने ही इसमें से लेंस निकालने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस हुआ, ये कितना ज़्यादा पास आ गया और लेंस लगने के बाद में कितना दूर था। तो ये बहुत हेल्पफुल है जब आप शूट करते हैं, तो आपको जनरली सेल्फी मोड में अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है, बैक कैमरे से करें फ्रंट कैमरे से करें, जनरली तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बैक कैमरे के लिए यूज़ करें, फ्रंट कैमरे में उतना काम का नहीं है क्योंकि डेप्थ ऑफ फील्ड वगैरह उसमें कुछ नहीं आती, पर इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड वगैरह आती है, तो ये आपको बैक कैमरे में ही यूज़ करना चाहिए, बैक कैमरे में बहुत बेस्ट है। और बाकी इसमें जो बताया क्लीनिंग वाला, वो दूसरा लेंस का अलाइनमेंट, ये दो चीज़ होना चाहिए। तीसरी चीज़ कि आप इसको कवर लगा के यूज़ नहीं करेंगे, क्यों? अगर आप इसमें आपने जैसे फॉर एग्जांपल इसमें फ़ोन कवर लगा हुआ है ना, और इस लेंस को लगाने की कोशिश करेंगे, तो होगा ये कि जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो सकता है कि ये प्रॉपरली ऐसे स्ट्रेट ना बैठे, एक साइड से ऐसे ज़्यादा बैठे, ये एक साइड से कम बैठे, तो जब वैसा होगा ना तो उससे आपका जो इमेज है, जो इमेज का आउटपुट आने वाला है वो डिसऑर्ट हो जाएगा, मतलब कि वो खींचा खींचा लगेगा, फोकस प्रॉपर नहीं ले पाएगा। तो उस चीज़ को प्रॉब्लम ना आए उसके लिए आप अपने फ़ोन का बैक कवर निकाल दीजिए और ऐसे नेकेड फ़ोन में लगाइए बेस्ट रिजल्ट के लिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने मिलते रहेंगे ब्लॉगिंग से रिलेटेड और मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।